आप देख रहे हैं TNB। नमस्कार, TNB में आपका स्वागत है। जब कभी कहीं लड़ाई होती है और लड़ाई हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो उसे सुलझाने के लिए पुलिस को बुलाया जाता है। लेकिन तब क्या हो जब SP ही जो किसी और से उलझ जाए? तब क्या हो जब SP को कोई लात और घूसे से पीटने लगे? आप सोच रहे होंगे हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ये समझने के लिए आपको इस वक्त एक वायरल हो रहे वीडियो पर नजर डालने की जरूरत है। तो आइए नजर डालते हैं इस वायरल हो रहे वीडियो पर। तो जैसे कि आपको इस वीडियो में एक सफेद कलर की गाड़ी नजर आ रही होगी, आपको बता दें कि इस गाड़ी में नितिन गडकरी जो कि केंद्रीय परिवहन और सड़क मंत्री हैं, वो मौजूद है। दरअसल वो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में जो है घूमने के लिए आए हुए थे, किसी काम से जो है वो यहाँ पधारे हुए थे और ऐसे में वहाँ पे इनसे मिलने जो हिमाचल प्रदेश के CM है जयराम ठाकुर, वो भी उनसे मिलने के लिए मौके पर पहुंचे। ऐसे में SP और CM के जो सिक्योरिटी इंचार्ज है उनके बीच में किसी बात को लेकर बहस होने लगी और बहस के दौरान ये हुआ कि SP साहब ने CM के सिक्योरिटी इंचार्ज को थप्पड़ जड़ दिया और देखते ही देखते ये मामला बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, जिसके बाद जो CM के सिक्योरिटी इंचार्ज थे उन्होंने भी SP साहब की लात और घूसे से पिटाई कर दी, जिसके बाद वहां के आसपास के लोग ये चिल्लाते हुए नजर आए कि SP साहब को क्यों मार रहे हैं, SP साहब को क्यों मार रहे हैं। और देखते ही देखते वहाँ पे बहुत जो है भीड़ जुट गई, जिसके बाद इस पूरे मामले को जल्दी से ठंडा किया गया, जल्दी से इसको खत्म किया गया। लेकिन अब तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर में SP साहब और CM के सिक्योरिटी इंचार्ज के बीच में ऐसी क्या बात हुई थी जिससे SP साहब इतना ही भड़क गए कि उन्होंने आओ देखा ना ताओ और CM के सिक्योरिटी इंचार्ज को ही थप्पड़ जड़ दिया। ऐसे में वक्त के साथ ही पता चल पाएगा कि आखिर इनके बीच में ऐसा क्या मुद्दा था जिसके वजह से SP साहब को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया। इसी के साथ इसी तरीके के ट्रेंडिंग न्यूज के लिए TNB के साथ बने रहे। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। साथ ही आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।